गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो प्रीवियसली जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। तो इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया की अगर हम बात करेंगे, इम्पैक्ट दो तरीके के होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। तो पार्ट फर्स्ट में जो हमने पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन डिस्कस किया था, जैसे मैंने आपको बताया था कि ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, जब से ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुई है इंडिया में, तो उसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा था, पहला एडवांटेज जो मिला था कंज्यूमर्स को, ठीक है, तो कंज्यूमर्स को, प्रोड्यूसर्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। जैसे हम बात करेंगे कंज्यूमर्स को क्या फ़ायदा मिला, ग्रेटर चॉइस मिली उनको, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिल गए, इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी, प्रोडक्ट क्वालिटी में थोड़ा इम्प्रूवमेंट आ गई, लो प्राइस प्रोडक्ट्स मिल गए, मतलब लोअर कास्ट के प्रोडक्ट्स मिल गए, और जो कंज्यूमर्स का स्टैंडर्ड आप लेंगे वो इंक्रीज़ हो गया। तो ये हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था। और उसके बाद हमने वर्कर्स के, सॉरी प्रोड्यूसर्स के बारे में, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा कि उनको मार्केट जो है, मार्केट शेयर बढ़ गया। या हम बात कर सकते हैं कि प्रोड्यूसर्स ने अपने जो यूनिट्स है वो दूसरी कंट्रीज़ में स्टार्ट किए, प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट की, या मल्टीनेशनल कंपनीज़ यहाँ पे आ गई, उनने अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया, जिसको हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं, उससे मोर एम्प्लॉयमेंट, मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, लोगों को रोज़गार मिल गया। जब एमएनसीज यहाँ पे आ गई तो यहाँ पे जो बेरोज़गार थे उनको रोज़गार मिल गया, या लोकल कंपनीज़ को सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल मिल गया, रॉ मटेरियल जो था यहाँ पे जो लोकली अवेलेबल था बहुत ही हाई कॉस्ट का था, और बाहर से जो आ गया उससे मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ गया, क्योंकि अब हमारे पास जो रॉ मटेरियल अवेलेबल है लो कॉस्ट पे है। और ये भी बेनिफिट मिला लोकल प्रोड्यूसर्स को कि उन्होंने न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन सीखे, न्यू टेक्नोलॉजी उनके पास आ गई, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव इम्पैक्ट में एक तो कंज्यूमर्स को हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिल गए, या गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिल गए एट रीजनेबल रेट, या वैरायटी ऑफ चॉइसेस मिल गई, मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च हो गए ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, बहुत सारी कंट्रीज़ के प्रोडक्ट्स आ गए, या एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। तो दीज आर द पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो अगर हम आज का जो टॉपिक है नेगेटिव इम्पैक्ट्स, जो पार्ट सेकंड है नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, देखो ग्लोबलाइजेशन से एक तरफ तो पॉजिटिव इम्पैक्ट तो हमने पढ़े, लेकिन इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन हैज़ ब्रॉट मेजर चैलेंजेस फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स एंड वर्कर्स। तो जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे या जो वर्कर्स थे, इनके लिए थाट भी फायदा हो गया ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन आल्सो क्रिएट्स अ प्रॉब्लम फॉर लॉट ऑफ सेक्टर्स, या हम कह सकते हैं लॉट ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स एंड वर्कर्स। अब यही आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसे ग्लोबलाइजेशन ने, कैसे ग्लोबलाइजेशन एक मेजर चैलेंज बन गया है स्मॉल प्रोड्यूसर्स एंड वर्कर्स के लिए। देखो अगर हम बात करेंगे स्मॉल प्रोड्यूसर्स की, या अगर हम बात करेंगे लोकल कंपनीज़ की, ठीक है, तो ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन जब मल्टीनेशनल कंपनीज़ यहाँ पे आ गई, तो मल्टीनेशनल कंपनीज़ के एंट्री से यहाँ पे जो लोकल कंपनीज़ थी उनको मतलब कंपटीशन बढ़ गया। तो पहला जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, हम कह सकते हैं हार्ड कंपटीशन या मोर कंपटीशन जिसको हम कहते हैं, ठीक है, इंक्रीज इन कंपटीशन भी लिख सकते हैं कि कंपटीशन बढ़ गया। देखो जब कंपटीशन बढ़ जाता है तो उसका मतलब यही है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मतलब हो गया वही जिंदा रहेगा जो